कुनिहार में राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोष रैली निकाली। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय हिंदू संगठन जिला सोलन अध्यक्ष सुभाष चंद शर्मा की अगुवाई में एक रोष रैली निकाली। रैली न्यू बस स्टैंड से आरंभ होकर चौक बाजार, पुराना बस स्टैंड से होते हुए तालाब मंदिर के पास तहसीलदार कार्यालय पहुंची। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार व हिंदुओं की लाशों के ढेर जैसे अमानवीय कृत्यों से पूरा विश्व स्तब्ध है। इस कृत्य को रोकने के लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने जिला अध्यक्ष के माध्यम से तहसीलदार कुनिहार कार्यालय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपा व पड़ोसी देश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री से उचित कदम उठाने की अपील की। इस दौरान काफी संख्या में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सुभाष चंद शर्मा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू संगठन जिला सोलन से। जैसा कि सबको पता है कि आज बांग्लादेश में जैसे ही सरकार का पतन हुआ, उसी दौरान हिंदू पर बड़े भयानक रूप से अत्याचार होने लगे। जैसा देखा जा रहा है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार, औरतों के साथ बलात्कार, हिंदुओं को काट कर दफनाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसे वीडियो चलचित्र आ रहे हैं कि जिन्हें देखकर पता लगता है कि हॉस्पिटल लाशों से भरे पड़े हैं, जबकि वहाँ की सरकार जो कि अभी अंतरिम सरकार बनी है उनका उस पर कोई ध्यान नहीं है। बेतुके और झूठे बयानबाजी करके ही बचना चाह रहे हैं। कोई भी हिंदू समाज, सर्व हिंदू संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसमें कोई विशेष समुदाय नहीं है, तो टोटली समस्त हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। आज हम सभी ने मिलकर तहसीलदार महोदय के माध्यम के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने अपने कुछ मांगे रखी हैं कि हिंदुओं पर हो रहे जो अत्याचार है वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। अगर इसी तरीके से अत्याचार होते रहेंगे तो हम हिंदू समाज के लोग कोई कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की हो। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।